इंदौर एयरपोर्ट पर आराम से टहल रहा था शख्स, पूछा तो बोला मैं ओके हूँ, फिर जूते और अंडरगारमेंट्स देख उड़े होश। इंदौर से बड़ी खबर है, DRI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। उसने एक शख्स को 4 किलो 94 ग्राम सोने के साथ पकड़ा है। आरोपी शख्स जूते और अंडरगारमेंट्स में छुपाकर इतना सोना लाया था। इस सोने की कीमत 2.94 करोड़ रुपए है। ये शख्स शारजाह से इंदौर आ रही फ्लाइट में 9 अप्रैल को सफर कर रहा था। उसे मंगलवार रात ही हिरासत में ले लिया गया। इस खबर के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। DRI की टीम आरोपी शख्स से पूछताछ कर रही है। टीम को आशंका है कि इस स्मगलिंग के तार कहीं और से भी जुड़ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक DRI को एयरपोर्ट इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि शारजाह से इंदौर आ रहे शख्स के पास बड़ी मात्रा में सोना है। सूचना मिलते ही DRI की टीम एक्टिव हो गई। टीम ने एयरपोर्ट पर अपना जाल बिछा दिया। जैसे आरोपी फ्लाइट से उतरा, उसे वैसे ही घेर लिया गया। DRI टीम ने जब उससे पूछताछ की तो वह उसे भ्रमित करने लगा, लेकिन टीम ने उसकी तलाशी ली। उसकी तलाशी में 4 किलो 94 ग्राम सोना निकला। आरोपी ने सोने की तस्करी के लिए नया तरीका ईजाद किया। उसका तरीका देख सब हैरान रह गए। इस तरह ला रहा था सोना। बताया जाता है कि आरोपी इस सोने को इंदौर शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट से 1X256 से ला रहा था। उसने जूते के सोल और अंडरवियर में सोने को पेस्ट करके छुपा रखा था। और DRI की पूछताछ में पता चला कि सोने का ये तस्कर मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। वह पिछले 6 महीने में कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर चुका है। अब DRI अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्करी की जांच में जुट गई है। DRI ने आरोपी को कस्टम एक्ट 1962 में हिरासत में लिया है। DRI अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में हम सूचना देने वालों को इनाम देते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि अगर उन्हें कहीं भी कोई संदिग्ध मामला दिखाई देता है तो हमें सूचित करें, हम उन्हें इनाम देंगे।